हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं शहनाज कुरैशी और आज हम लोग जा रहे हैं पिथौरागढ़ में। तड़ी गांव में एक रिज़ॉर्ट बना हुआ है, सन एंड वाटर रिज़ॉर्ट, तो उसको देखने के लिए। तो देखते हैं वो कैसा बना है, कि क्या खासियत है उसकी। ये खड़ी है हमारी सफारी और अब हम निकल चुके हैं तड़ी गांव की ओर को, जहाँ पर वो रिज़ॉर्ट बना हुआ है। ये पूरा शहर का व्यू दिखता है जहाँ वहाँ रास्ते से, और हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। ये शुरू हो गया वहाँ से दिखना रास्ता, बस हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम लोग गाड़ी पार्क करेंगे और चलेंगे अंदर की ओर। हम लोग बस एंटर कर रहे हैं। ये है यहाँ की एंट्री, सन एंड वाटर रिजॉर्ट की एंट्री। ये दाईं तरफ को पेंटिंग्स वगैरह और ये हट्स बने हुए हैं, उसी के अंदर छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी हैं, और ये है मेन बिल्डिंग। स्विमिंग पूल, ये देखिए, ये मेन बिल्डिंग है यहाँ की। काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है और फर्स्ट फ्लोर में है उसका रेस्टोरेंट, जहाँ पे कभी भी आप आए तो पार्टी वगैरह कर सकते हैं, कोई मीटिंग कर सकते हैं। ये पे बर्थडे पार्टी का लगा हुआ है टैग। तो अभी हम लोगों ने सोचा हम लोग पहले रूम्स देख कर आते हैं, उसके बाद रेस्टोरेंट में बैठेंगे। ये यहाँ का किचन है इसके रेस्टोरेंट का, और हम लोग दूसरी मंजिल की ओर जा रहे हैं। और हम लोग देखने लगे हैं अब रूम्स को। ये देखिए, सर और मैम भी साथ में है ना मेरे, तो वो लोग भी थोड़ा सा रुक गए क्योंकि वो लोग चाबी नीचे लेने के लिए गए थे रूम्स दिखाने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं रूम्स देखने के लिए। ये देखिए, ये है रूम, क्योंकि कभी कोई लोग आते हैं तो उनके ठहरने के लिए हम लोगों को ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर कोई थोड़ा सा एकांत भी हो और व्यू भी अच्छा हो। तो काफ़ी अच्छे रूम बने हुए हैं, कभी भी किसी को भी आना हो तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे जगह है। और ये बालकनी है हर रूम के साथ, अपनी बालकनी, सेपरेट बालकनी है, और नीचे वो सारा व्यू दिखाई देता है। आप लोग बैठ जाएंगे तो आपको कभी बोरियत नहीं होगी अगर आप यहाँ पर रुकने के पर्पस से आ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं तीसरी मंजिल की ओर। तीसरी मंजिल में भी रूम्स बने हुए हैं। दूसरी मंजिल में तो 5 रूम बने हुए हैं, तीसरी मंजिल पर जो है वो 3 ही रूम बने हुए हैं। और हम आ गए टॉप फ्लोर पर। ये सारा व्यू दिखाई देता है, ये तड़ी गांव है, और ये सारा आसपास का व्यू उनकी छत से जो दिखाई देता है। अब हम लोग चल रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर, जो पहली मंजिल में बना हुआ है रेस्टोरेंट। अब वो सर्व करने लगा है हम लोगों को, ज़्यादा कुछ खाना नहीं था क्योंकि हम लोग खाना वाना खा कर ही गए थे। तो हम लोगों ने कॉफ़ी ऑर्डर की और हरा भरा कबाब, वो तो मैं आपको दिखा नहीं पाई लेकिन ये कॉफ़ी मैं आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी अच्छा बना हुआ है, कभी भी आप लोग आएँ तो आप लोग आ सकते हैं, देखिएगा। अब हम लोग चल रहे हैं, ज़्यादा फोटोग्राफी तो हुई नहीं लेकिन फिर भी जो जो हुई मैं दिखा रही हूँ आपको। अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने घर के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम।